राज अपनी कथा का समय थोड़ा बदल दें, नहीं तो हमारा तो व्यापार ही जा रहा है। लोग महाराज की कथा हजारों हजारों की संख्या में लोग सुनने आते थे, ऐसी ये दिव्य कथा है। अब महाराज सुखदेव जी ने देखा, लोगों को संकोच हो रहा, कथा को रोक दिया। राजा परीक्षित ने कहा, ऐसी लीला भगवान ने क्यों की जिससे लोगों को संकोच होता है? सुखदेव जी ने कहा, राजन पहली बात तो भगवान है, भगवान और मनुष्य की बराबरी नहीं होती है। जैसे आप थोड़ा सा गंगा जल ले आओ और उस गंगा जल में अगर शराब मिला दिया जाए तो गंगा जल अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन शराब की 8-10 बोतल अगर गंगा जी में डाल दिया जाए तो क्या गंगा जी अशुद्ध हो जाएंगी? नहीं होगी। ऐसे ईश्वर है गंगा जी और जीव है मनुष्य है, थोड़ा सा गंगा जल ईश्वर का अंश है लेकिन थोड़ा सा गंगा जल, जो ईश्वर करे वो मनुष्य नहीं कर सकता, एक बात। और दूसरी बात, बोले जिन भगवान का भजन करके महात्मा लोग दोषों को पार कर जाते हैं वो भगवान में दोष कहाँ से आएंगे? बोले महाराज ठीक है, मान लिया भगवान में दोष नहीं आ सकते, अगर गोपियों में आ गया हो तो? बोले वैसे तो गोपियों में भी नहीं आया, लेकिन अगर मान भी लिया जाए कि आ गया तो गोपियों ने अपने दोष का संबंध श्री कृष्ण से जोड़ा तो दोष दोष नहीं रहा, दोष गुण बन गया, वो कामना भक्ति में परिवर्तित हो गई और भगवान को गोपियां पा गईं, उनका काम पूरा हुआ। महाराज प्रातःकाल हुआ ब्रह्म मुहूर्त, भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा, अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया, तुम लोग अपने अपने घर जाओ। गोपियों ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने अपने घरों को चली जाती है। महाराज लीला यहाँ पर संक्षेप में विश्राम लेती है। बोली राश बिहारी भगवान की, प्रेम से बोलिए राश बिहारी भगवान की जय, जय श्री राधे। अब आपको विश्राम दिया जाता है 15 मिनट के लिए। मुरली बाजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, गोकुल में संग राधा नाचे रे, गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली वाले रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा भगवान कृष्ण वृंदावन में निवास करते हैं और रोज कोई ना कोई असुर आता है, उसका उद्धार होता है। नारद जी ने जाकर के कंस से कहा, तो रोज असुर भेजता है वो लौट के आता नहीं, अगले दिन तो दूसरा भेज देता है, ये तो कोई समझदारी की बात नहीं है, पता नहीं लगाता क्या हुआ, कौन मारा, कहाँ गया। कंस ने कहा, तो आप तो सबकी सूचना रखते हैं, आप बता दीजिए क्या होता है। बोले वो जो नंद बाबा के यहाँ दो बच्चे हैं ना, कृष्ण बलराम, वो दोनों तुम्हारे असुरों को मार डालते हैं, और मैं तुमको सच बता दूं, नंद बाबा के बच्चे हैं ही नहीं। नारद जी ने फिर भेद खोल दिया, वो बोले देवकी वसुदेव के बच्चे हैं दोनों, तुमसे छिपा करके इन्होंने गोकुल पहुँचा दिया था और तुमको बताया नहीं, इसलिए आज भी समाज में जो थोड़ा इधर उधर लगाने का काम करता है ना, झगड़ा लगाने का, उसको समाज के लोग क्या कहते हैं, ये नारद हैं, हाँ इनसे थोड़ा सावधान रहना, इधर उधर का झगड़ा लगाते हैं, इधर के उधर, उधर के इधर। अब नारद जी का यद्यपि ये मूल्यांकन करना बहुत उचित नहीं है, नारद जी का उद्देश्य झगड़ा लगाना नहीं था, नारद जी का उद्देश्य था भगवान के काम को आगे बढ़ाना।
अब वो शिक्षा क्या देते हैं? नारद जी कहते हैं, तो कंस ने कहा तुम्हें क्या करूं? नारद जी ने कहा वहाँ तुम्हारा असुर अकेला होता है, वो बहुत सारे होते हैं, मिलके मार डालते हैं। तुम कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लो किसी बहाने, या तुम लोग बहुत सारे हो गए, मिलके तुम मार डालना उन दोनों को। कंस ने कहा तो ऐसे कैसे आएंगे, तो आएंगे नहीं, नंद बाबा आते हैं टैक्स भरने, वो तो बच्चे तो आएंगे नहीं। नारद जी ने कहा कि धनुष यज्ञ का आयोजन कर, और धनुष यज्ञ का निमंत्रण पत्र अक्रूर जी के साथ वृंदावन भेज, और अपना सोने का रथ भेज, और अक्रूर जी को कह दे कि लेके ही आवेगा, खाली नहीं आवेगा। अब महाराज कंस बड़ा प्रसन्न, नारद जी ने बड़ा अच्छा उपाय बताया, यहाँ दोनों आएंगे, दोनों को हम सब मिलके मार डालेंगे। नारद जी का पूजन किया और नारद जी को महाराज कहा, आप नहीं होते तो हमारे कल्याण की बात कौन सोचता। बात तो सही है, कल्याण तो नारद जी कराने वाले हैं, दो तीन दिन बाद ही। नारद जी सिखा के चले गए, कंस भी उनकी बातों में आ गया, अक्रूर जी को रथ दिया, बोले जाओ वृंदावन जाओ, कृष्ण बलराम को लेके आओ, कह देना धनुष यज्ञ हो रहा है, सबको बुलाया है। अक्रूर जी ने कहा महाराज धनुष यज्ञ तो नहीं हो रहा है, मेरे को सच्चाई मालूम है, और ऐसा ना हो कि आप जो प्लान कर रहे हैं उल्टा ना हो जाए, आप बुला रहे उनको मारने के लिए, कहीं अपने ऊपर आफत आ जाए। नारद जी ने तो ऐसा पढ़ाया था कि अब कंस किसी की सुन नहीं रहा। कंस कहता क्रूर मैंने तुमको जितना कहा उतने ही काम करो, बिना पूछे सलाह मत दो। और ये भारतवर्ष की बड़ी पुरानी परंपरा है, क्या बिना पूछे सलाह देना। किसी को कोई रोग हो जाए, जुखाम हो जाए ना, बुखार आ जाए, लूज मोशन हो जाए, आपको बताने की देर है, 10 डॉक्टर आपके अगल बगल मिल जाएंगे, ये खा लो ये खा लो ये खा लो ये खा लो। ये भारतवर्ष में ही सुविधा है, विदेशों में नहीं है ये। बिना पूछे दवा बताना, बिना पूछे सलाह देना, यद्यपि शास्त्र मना करता है, बिना पूछे जो सलाह देते हैं दवा बताते हैं उनका कोई ज़्यादा आदर रिस्पेक्ट नहीं होता है। और वही यहाँ अक्रूर जी का भी हुआ, अक्रूर जी ने बिना पूछे सलाह दी, कंस ने डांट दिया, मैंने जितना कहा उतना काम करो, बिना पूछे सलाह मत दो। अक्रूर जी समझ गए कि मामा कंस का भी समय लगता है, आ गया है ठाकुर जी की लीला। अक्रूर जी रथ लेकर के चले, रास्ते में सोच रहे हैं अक्रूर जी महाराज, अरे क्या आज मेरे को भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, भरोसा नहीं हो रहा है। बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली हो तो अपने पर भी भरोसा जल्दी, आज क्या इन्हीं आँखों से श्री कृष्ण को मैं देखूंगा, मेरा ऐसा कोई कर्म तो है नहीं। फिर वो कहते हैं क्या कर्म से भगवान का दर्शन होता है, भगवान का दर्शन तो कृपा से होता है, और आज कृष्ण की कृपा ही है कि कंस ने मेरे को ही भेजा, और किसी को भी भेज सकता था, अगर मेरे को नहीं भेजता तो आज मेरे को दर्शन नहीं होते। मथुरा से बाहर निकले, रथ में ऐसा भावावेश में पड़ गए कि रथ चलाना भूल गए। अब रथ में पड़े पड़े सोच रहे हैं जब जाऊंगा वृंदावन पहुंचूंगा, श्री कृष्ण मिलेंगे तो चरणों में साष्टांग लेट जाऊंगा। रथ में लेटे हुए रथ चलाना ही भूल गए, भाव में सोच रहे, इमेजिन कर रहे, जब मैं उनके चरणों में लेटा रहूंगा तो क्या श्री कृष्ण अपना हाथ मेरे मस्तक पे रखेंगे, और अपना हाथ जब मस्तक पे रख देंगे, मैं उठ करके खड़ा होऊंगा तो क्या मेरे को अपने हृदय से लगा लेंगे, और हृदय से लगाने के बाद जब मेरे को बहुत आनंद आएगा, उसके थोड़ी देर बाद कैसे कैसे भावना करते अक्रूर जी, क्या श्री कृष्ण मेरे से पूछेंगे कि चाचा जी सब कुशल तो है ना, और अगर श्री कृष्ण मेरे को अपना चाचा कह के बुला देंगे तो मेरा मनुष्य जीवन पाना धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा। भगवान जिसको अपना संबंधी स्वीकार कर ले, भगवान अगर मेरे को चाचा कह के बुला देंगे तो मेरा ये मनुष्य जीवन पाना सफल हो जाएगा, ऐसे कल्पना कर रहे हैं, भाव में चले गए। और कितनी देर के लिए चले गए, पूरा दिन, सवेरे चले थे शाम हो गई, रथ मथुरा के बाहर खड़ा है, तो वृंदावन पहुँचेगा तब जब चलेगा, जब चल ही नहीं रहा तो पहुँचे कैसे। भगवान ने महाराज योग माया से कहा क्रूर ऐसे पहुँचने वाला नहीं है, जाओ रथ को वृंदावन पहुँचाओ। रथ को वृंदावन पहुंचाया भगवान की शक्ति ने, योग माया ने। अक्रूर जी जब वृंदावन के बाहर आए तो बछड़ों की आवाज़ सुनाई दी, गैया बछड़ों की बोलने की आवाज़, वो जो देशी गैया और देशी बछड़े होते हैं उनकी आवाज़ बड़ी सुंदर होती है,
ये जो विदेशी गैया होती है ना, उसकी आवाज़ बहुत अजीब सी होती है। हाँ, अब सुन के देखना देशी गैया की आवाज़, हुंकार जैसे बादल गरजता हो महाराज, ऐसे हुंकार होती। तो महाराज जैसे उनको बछड़ों की आवाज़ सुनाई दी, उनको होश आया, अरे वृंदावन आ गया। सुबह चले थे, शाम को वृंदावन पहुँचे। 12 घंटे लग गए मथुरा से वृंदावन पहुँचने में। जरा महाराज कूदे रथ से, लोगों से पूछा कृष्ण बलराम कहाँ मिलेंगे। लोगों ने कहा भाई कृष्ण बलराम तो इस समय गौशाला में होंगे, गैया का दूध निकालने जाते थे। अक्रूर जी रथ लेके सीधे गौशाला चले गए और क्या देखा, कृष्ण बलराम दोनों महाराज ग्वारिया के वेश में दर्शन हुए, सिर में रस्सी बांधे हुए, हाथ में बाल्टी बकेट लिए हुए दूध निकालने के लिए, कमर को कसे हुए हैं जैसे ग्वारिया लोग होते ना। रस्सी क्यों रखते हैं ग्वारिया मालूम है? गाय का दूध कभी निकालते हुए देखा या निकाला? निकाला निकाला होगा तो मालूम होगा, कोई कोई गाय दूध निकालते समय पैर मारती, वो पैर न मारे इसलिए पैरों को रस्सी से बांध दिया जाता है, फिर दूध निकाला जाता है। हम लोगों तो निकाला है, गाय का, भैंस का, बकरी का, सबका निकाला है। तो महाराज कहते हैं वो ग्वारिया के वेश में और लिखा है हाथी के बच्चे के जैसे, दोनों माखन मिश्री के खाए हुए हृष्ट पुष्ट शरीर कृष्ण बलराम का कैसे लगे जैसे दो हाथी के बच्चे हों। माने हमारी संस्कृति कैसी है, शरीर कैसा होना चाहिए, हाथी के बच्चे जैसा, आजकल वाला नहीं, लकड़ी वाला, लकड़ी जैसा, जिसको बोलते हैं मेंटेन किया है। इतना मेंटेन किया महाराज, इतनी मेहनत करके मेंटेन किया है। कितना मेंटेन किया, तूफान आ जाए तो टेक ऑफ कर जाए, इतना मेंटेन किया है। तो ये जो हालत होती है आजकल के लोगों की, अब क्या कहा जाए महाराज। हाथी के बच्चे जैसे कृष्ण बलराम दोनों को देखा, पीतांबर और नीलांबर पहने हुए, बड़े प्रसन्न हुए अक्रूर जी महाराज। और जो रास्ते में सोचा था वही कर रहे, साष्टांग लेट गए। अब भगवान तो अंतर्यामी है, वो तो वहीं हृदय में बैठे थे जो अक्रूर जी सोच रहे थे। जब साष्टांग लेट गए तो भगवान ने उनके मस्तक पर अपना हस्तकमल रखा। भगवान का हाथ मस्तक पर आ जाए, आप सोचो कितनी शांति का अनुभव हुआ होगा, कितने आनंद का अनुभव हुआ होगा। अक्रूर जी बहुत देर तक तो चरणों में ही लेटे रहे, क्योंकि भगवान का हाथ उनके सिर पे रखा है, उठने का मन नहीं हो रहा है। भगवान ने उठाया, उठा करके अक्रूर जी का शरीर रोमांचित है, आँखों से प्रेम के आंसू बह रहे हैं। भगवान ने हृदय से लगा लिया अक्रूर जी को, जो जो सोचा था वही कर रहे। बहुत देर तक हृदय से लगाने के बाद फिर और आश्चर्य हुआ जब भगवान ने वही प्रश्न पूछा जो अक्रूर जी ने सोचा था। भगवान कहते हैं चाचा जी सबको शल तो है ना, जहाँ ये पूछा अक्रूर जी तो रोने लग गए। धन्य हो प्रभु, अपने भक्त के एक एक शब्द का इतना आप ध्यान रखते हैं, इसके बाद भी अगर कोई आपकी भक्ति न करे तो दोष उसका है। चाचा बना लिया अक्रूर जी को अपना, ले आए घर महाराज, स्नान कराया, भोजन कराया और कृष्ण बलराम अक्रूर जी के चरण सेवा करने लग गए। क्यों, चाचा बनाया है तो चरण दबाने होंगे, चरण सेवा कर रहे हैं। कन्हैया ने पूछा चाचा जी आज अचानक वृंदावन आगमन हुआ, कोई विशेष कारण? अक्रूर जी ने सब बता दिया, बहाना यज्ञ का है कन्हैया, लेकिन तुम दोनों को मारने की योजना है। कन्हैया ने कहा चाचा जी ये सच्चाई आपने मेरे से बताई तो बताई, नंद बाबा से मत बताना। बोले क्यों, अगर बाबा को पता लग गया कि मारने के लिए बुला रहे हैं तो वो हमको मथुरा जाने नहीं देंगे। बोले फिर मैं तो कभी झूठ बोलता नहीं कन्हैया, मेरा स्वभाव नहीं झूठ बोलने का। श्री कृष्ण मुस्कराए तो बोले चाचा जी आप कुछ मत बोलना, न झूठ बोलना न सच बोलना, आप चुप रहना, जो बोलना है मैं बोल दूंगा। इस अवतार में मेरे को झूठ बोलने का ज़्यादा संकोच नहीं है, रामावतार में बहुत सच बोला है। इस अवतार में जहाँ जैसी ज़रूरत होती वैसा कर लेता हूँ, जहाँ सच की ज़रूरत सच बोल देता हूँ, जहाँ झूठ की ज़रूरत झूठ बोल देता हूँ, आप कुछ मत बोलना। चाचा जी को मना कर दिया। अक्रूर जी कुछ नहीं बताए, नंद बाबा को कन्हैया ने बताया, बाबा मामा कंस के यहाँ यज्ञ हो रहा है, सोने का रथ भेजा है, निमंत्रण पत्र भेजा है, चाचा अक्रूर को भेजा लेने के लिए। अच्छा, नंद बाबा को भी आश्चर्य हुआ, मैं प्रतिवर्ष टैक्स देने जाता हूँ तो मेरे लिए तो कभी सोने का रथ नहीं भेजा, ये कन्हैया में चमत्कार क्या है, मामा कंस से भी इसे प्रभावित, इसके लिए सोने का रथ भेजा। अच्छा, बेटे की उन्नति हो तो पिता को प्रसन्नता, क्या करना है लाला, कल चलना है दूध दही माखन लेकर के मामा के यज्ञ में शामिल होना है। नंद बाबा ने सूचना करवा दी सारे ब्रज में, कल चलना है भाई, सब लोग तैयार हो जाओ,
ग्वाल बाल बड़े प्रसन्न, पहली बार मथुरा जाना है, शहर कभी देखा नहीं। ग्वाल बाल तैयारी में लग गए, रात्रि भर सोए नहीं प्रसन्नता के कारण। और गोपियों को जब पता लगा तो गोपियों को अत्यंत व्याकुलता हुई, वो वियोग के डर से रात्रि भर नहीं सोए कि कल श्री कृष्ण मथुरा चले जाएंगे। हाँ, बहुत आनंद हो तो भी नींद नहीं आती और बहुत कष्ट हो तो भी नींद नहीं आती। दोनों में नींद नहीं आती है, नींद आती है जब व्यक्ति नॉर्मल होता है। दोनों नहीं सोए, प्रातः काल हो गया महाराज, सब तैयारी हो गई। अब उसके बाद जब तैयारी हो गई, भगवान वहां से चलने लग गए तो जानते हैं, अब गोपियों ने आकर के रोक लिया रथ। गोपियां कहती हैं कि हमारे जीते जी रथ वृंदावन से मथुरा नहीं जाएगा, जाएगा तो हमारे शरीर के ऊपर से होके जाएगा, प्राणांत करके जाएगा, हम श्री कृष्ण बलराम को मथुरा नहीं जाने देंगे। रथ को पकड़ के खड़ी हो गई। अक्रूर जी अब क्या करें, श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी इन गोपियों से कह दो रास्ता छोड़ दें, मैं जल्दी लौट के आ जाऊंगा। जब गोपियों ने श्री सुना कि श्री कृष्ण कह रहे हैं अक्रूर से कि इनसे कह दो कि रास्ता छोड़ दो, गोपियां समझ गईं श्री कृष्ण का मन है जाने का। वो पहले सोच रही थी अक्रूर लेके जा रहा है इसलिए पकड़ रखा था, अगर श्री कृष्ण ही जाना चाहते हैं तो हम उनका रास्ता नहीं रोकेंगे। प्रेम जगह जगह इनके प्रेम का वर्णन, अगर श्री कृष्ण को मथुरा जाने में अच्छा लगता है तो हम बाधा नहीं बनेंगे, रास्ता छोड़ दिया। सब गोपियों ने रथ को छोड़ दिया। लेकिन आप इस दृश्य को देखें, जिन गोपियों के साथ माखन चोरी किया, रासलीला किया, चीरहरण किया, आज हजारों की संख्या में गोपियां रो रही हैं श्री कृष्ण के जाने के समय, लेकिन श्री कृष्ण ने रथ से उतर करके एक भी गोपी से बात नहीं किया। अक्रूर जी से कह दिया तुम कह दो मैं लौट के जल्दी आ जाऊंगा। क्यों, ये हमको आपको भगवान ने दिखाया प्रेम क्या होता है। एक भी गोपी से बात नहीं किया, लेकिन किसी गोपी ने झगड़ा नहीं किया, किसी ने रथ को नहीं रोका। अरे ये जीवन उनका है, शरीर उनका है, साथ रखें तो इनकी इच्छा और अलग रखें तो उनकी इच्छा, इसका नाम समर्पण है, इसका नाम प्रेम है। भगवान का रथ चल पड़ा वहाँ से, गोपियाँ रो रही हैं, उसी दिशा में देख रही हैं जब तक रथ दिखाई दे रहा, शायद यशोदा जी की याद आएगी और लौट आएंगे, जा नहीं सकेंगे। फिर रथ देखना बंद हो गया, रथ में लगी हुई पताका झंडा ध्वजा दिख रही है, तब भी देख रही हैं शायद राधा रानी की याद आएगी लौट आएंगे, वो भी देखना बंद हो गई। धूल दिख रही है, तब तक उस दिशा में देखती रही, जब वो भी देखना बंद हो गई निराश होकर लौट आई। भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में जीवन यापन करती है। भगवान बोल गए थे ना आऊँगा, अगर वो कह जाते नहीं आऊँगा तो शायद गोपियाँ नहीं रहती। भगवान चले गए, रास्ते में महाराज अक्रूर जी को जमुना जी के अंदर और बाहर दोनों जगह दर्शन दिया। अक्रूर जी समझ गए कि भगवान है, इनको कोई मार नहीं सकता है, यही कंस का उद्धार करेंगे, लेकर के मथुरा के बाहर पहुंच गए। भगवान कृष्ण ने कहा चाचा जी अब हमको छोड़ दो बाबा के पास, नंद बाबा पहले पहुंच गए थे, आप मामा कंस से बता दो कि हम लोग आ गए। अक्रूर जी ने कहा हमारे घर नहीं चलोगे कन्हैया? बोले आऊँगा ना, पहले मामा ने बुलाया तो पहले मामा से तो मिल लूँ, उसके बाद आपके घर आऊँगा। अक्रूर जी चले गए, कंस को बता दिया, कंस और सावधान हो गया, सारी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया। भगवान ने पूछा बाबा से, बाबा धनुष यज्ञ तो कल है, आज का समय हमारा खाली है, आपकी अनुमति हुए तो मथुरा नगर का दर्शन ग्वाल बालों को करा दूं। बाबा ने कहा बेटा अनुमति की समस्या तो नहीं है, समस्या है तुम्हारे उपद्रव की। वृंदावन में उपद्रव करते हो तो मैं संभाल लेता हूँ वहाँ का राजा, मैं मथुरा में उपद्रव करोगे तो कौन संभालेगा उपद्रव। एक बार मैं गुजरात में कथा किया और वहाँ का व्यक्ति जब आभार ज्ञापन कथा के समापन में, जैसे परिवार का आयोजक, परिवार का कोई व्यक्ति धन्यवाद ज्ञापन करता है, अब गुजराती था वो और उसको हिंदी और गुजराती में शब्दों में थोड़ा कन्फ्यूजन होता था, वो बोलता है स्वामी जी ने बहुत बड़ी कृपा की हमारे ऊपर जो 7 दिन तक यहाँ पर इतना बड़ा उपद्रव किया। वो बोलना चाहता था उत्सव किया लेकिन वो कन्फ्यूज हो गया कि उत्सव क्या होता है उपद्रव क्या होता है। मेरे को इतनी हंसी आई, वो सारे लोग हंसे, वो समझे नहीं कि मैंने इसे कौन सी बात बोल दी जो लोग हंस रहे। और यहीं पर नहीं रुका,
बोले आपके लिए खुशखबरी है कि 3 दिन के बाद स्वामी जी बम्बई में उपद्रव करने वाले हैं। तो कभी कभी शब्दों का ऐसा दुष्प्रयोग हो जाता है अनजान में, तो उपद्रव शब्द पे ध्यान आ गया। नंद बाबा ने कहा, लाला अनुमति की समस्या नहीं है, लेकिन तुम इतने उपद्रवी हो कि यहाँ उपद्रव करोगे तो मेरी समस्या आ जाएगी, यहाँ का राजा कंस है। कन्हैया ने कहा, बाबा अब हम बड़े हो गए, समझदार हो गए, अब हम उपद्रव नहीं करेंगे। कितने बड़े थे? 11.5 साल के, 10 वर्ष 8 महीने के थे जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए, 8.5 साल के थे तब रासलीला किया। इतना छोटा बालक, क्या मनुष्य का बालक ये सारा काम कर सकता है? भगवत्ता सिद्ध होती है, अपने आप सिद्ध होती है। महाराज बोले, हम उपद्रव नहीं करेंगे। बाबा ने समझाया, देखो झगड़ा मत करना, किसी को छेड़छाड़ मत करना, शांति से नगर देख के आ जाना। हाँ बाबा, बिल्कुल शांति से। ओ महाराज, जिस अवतार में बड़े नटखट थे, लीलाधारी थे, गए। अब महाराज मथुरा नगर को बड़ा सुंदर सजाया हुआ है, बड़ा सुंदर बंधनवार लगाए गए हैं, सोने के कलश रखे गए हैं, दीपक जलाए गए हैं, चौके बनाई गई हैं, लोगों को मालूम है यज्ञ हो रहा है, बड़े बड़े लोग आएंगे। मथुरा नगर को देखते हुए जा रहे, रास्ते में महाराज जब जा रहे थे तो वो जो मथुरा की देवियाँ थीं उनमें भगवान कृष्ण की बहुत भक्त थी, और उनमें जो सासुएँ थीं वो तो दरवाजे से निकल के दर्शन करने लग गईं। बहुओं को कहा कि तुम लोग छत के ऊपर से जाओ, पहले घूंघट डालने की विधि थी, दरवाजे पे बहुएं खड़ी नहीं हो सकती थी, तुम लोग छत से जाओ, वहाँ से दर्शन करो। बहुएं छत से दर्शन कर रही, सासुएं नीचे से, बेटी सासू सब नीचे से कर रही। अब एक जो बहू थी उसको इतना भाव था भगवान कृष्ण का कि उसको ध्यान ही नहीं रहा कि छत के ऊपर जाना है, टेरेस में जाना है, वो सासू के साथ नीचे ही आ गई, वहीं से दर्शन कर रही। अब सासू उसको बार बार बोले, तू ऊपर से जा, ऊपर से जा, सबकी बहुएं ऊपर है, तू नीचे खड़ी, हमको लोग बदनाम करेंगे। वो दर्शन में इतना मग्न थी कि उसको सासू की बात ही सुनाई न दे। वो सासू ने एक धक्का मारा, सुनती नहीं है, सारे लोग बदनाम करेंगे हमको। अरे वो हिंदी के कवि ने लिखा है, अरे बहू तो बावरी लाज न आवे तोय, बदन काढ़ी ठाढ़ी भई काह कहें सब मोय। मुख खोल के सामने खड़ी है, सारे लोग बदनामी मेरे करेंगे, उसकी बहू है, मुख खोल के दरवाजे पे खड़ी है। इतना सुंदर जवाब बहू ने दिया, कृष्ण प्रेमी थी, कछु दोष नहीं सासू जी, नाम न धरी है कोई, कोई दोष नहीं है आपको, कोई नाम आपका बदनाम नहीं करेगा। क्यों? बोले नंद नंदन को छाड़ के कौन निरखी है मोय। आज सारे लोग श्री कृष्ण को देख रहे हैं, किसी की नज़र मेरी तरफ आएगी ही नहीं, तो पता कैसे लगेगा कि मैं यहाँ खड़ी थी। सासू जी आपको छोड़ के और कोई मेरे को नहीं देख रहा है, केवल आप ही देख रहे, ना मेरे को देखने दे रही ना आप देख रही। महाराज सासू जी भी कभी कभी बड़ी समस्या हो जाती है। अब वो क्या करे। तो अब उसके बाद अब वो बहू, महिलाओं ने स्वागत किया भगवान कृष्ण का, उसके बाद ब्राह्मणों ने स्वागत किया, फिर वैश्यों ने स्वागत किया और आगे बढ़े, तो उन्होंने देखा कि कंस के कपड़े एक धोबी गाड़ी में रखे हुए, रेशमी कपड़े बड़े सुंदर, 6-7 गाड़ियों में रख के धुले हुए कपड़े जा रहे। ग्वाल वालों ने पूछा, कन्हैया बड़े सुंदर कपड़े, रेशमी कपड़े किसके हैं? कन्हैया ने कहा, अपने मामा के, क्या तुमको चाहिए? बोले हाँ, मिल जाए तो क्या कहना। कृष्ण ने कहा, जो मामा सोने का रथ भेज सकता है हमको लाने के लिए, वो रेशमी कपड़े क्यों नहीं दे सकता? इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी दिलाता हूँ। भगवान कृष्ण ने धोबी से कहा, भाई तेरे पास तो बहुत सारे कपड़े हैं, 6-7 गाड़ी कपड़े हैं, थोड़े कपड़े हमारे ग्वाल बालों को दे दो। ओ कंस का धोबी, हाँ बड़े आदमी का जो सेक्रेटरी होता है ना, बहुत कम होते हैं जो विनम्र होते हैं, वो आसमान में रहते हैं, मालिक भले जमीन पे रहे वो आसमान पे रहते हैं महाराज। ओ कंस का धोबी कहता, ए जंगली और पहाड़ी लोगों, ये शब्द है भागवत में लिखा है। ओ धोबी श्री कृष्ण को कहता है, जंगली और पहाड़ी लोगों, तुमने ये कपड़े पहली बार देखे, पहनोगे कैसे? अगली बार मत मांगना, नहीं सबको मार डालूंगा। भगवान कृष्ण ने सोचा, ये धोबी रामावतार में भी जानकी जी को कलंक लगाया था, वहाँ तो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम था, जानकी जी को ही छोड़ना पड़ा, आज ये फिर मिल गया। एक थप्पड़ मारा जोर से, महाराज उसका सिर धड़ से अलग हो गया, गोविंदाय नमो नमा हो गया। बाकी जितने सेवक थे कपड़े छोड़ के भाग गए, जब मालिक को ही ख़त्म कर दिया तो बाकी भाग गए। अब 6-7 गाड़ी कपड़े रखे, कन्हैया मुस्कराए, बोले ले लो जिसको जो चाहिए, अपने मामा के कपड़े, कोई चिंता की बात नहीं, ले लो।
अब ले तो लिए महाराज, कंस का शरीर लंबा चौड़ा, ग्वाल बाल छोटे, अब वो साइज ना आवे। एक जो दर्जी था, कंस का ही दर्जी था, वो देख रहा है, वो दर्जी मुस्कराया, बोले मेरे पास आ। वो भगवान का भक्त था, दर्जी कंस का था लेकिन भक्त कृष्ण का था। उसने बुलाया, बोले मेरे पास आओ। सब ग्वाल बालों का नाप लिया, कपड़ों को काट पीट करके बराबर फिटिंग करके सिलाई कर दिया और कलर मैचिंग किया। जो सांवरे थे उनको पीतांबर पहनाया और जो गोरे थे उनको नीलांबर पहनाया, जिससे बहुत सुंदर लगने लग गए। अब महाराज उन्होंने कहा, दर्जी को क्या चाहिए तुमको? बोले कुछ नहीं प्रभु, नौकरी तो जीवन भर किया, आज ही तो सेवा मिली है। भगवान ने कहा, तुम नहीं मांगोगे तो मैं अपने से दूंगा। बोले प्रभु आपकी इच्छा। बोले इस श्लोक में इतनी संपत्ति दे देता हूँ कि कल से तुम्हारा सिलाई करने की जरूरत नहीं, खूब भजन करो, आराम से रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। और बोले जीवन छोड़ने के बाद अभी से वरदान दे देता हूँ कि तुमको मेरे धाम की प्राप्ति होगी, वैकुंठ की प्राप्ति होगी। मतलब पूरा जीवन कंस के कपड़ों की सिलाई की तो क्या मिला, ज़्यादा से ज़्यादा रहने की सुविधा, भोजन की सुविधा, कपड़े की सुविधा। और एक दिन भगवान और भक्तों की कपड़ों की सिलाई की तो क्या मिला, ये लोक भी मिला और परलोक भी मिला। माने भगवान के लिए थोड़ा करोगे तो बहुत मिलेगा और दुनिया के लिए बहुत करोगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा, दोनों ही पॉसिबिलिटी है, या तो बिल्कुल नहीं मिलेगा या मिलेगा तो थोड़ा मिलेगा। हाँ, मैं बार बार ये कहूँगा और आप प्रैक्टिकल करके अनुभव कर लेना या करते होंगे, भगवान के लिए थोड़ा करोगे बहुत मिलेगा, दुनिया के लिए बहुत करोगे तो या तो बिल्कुल नहीं मिलेगा या थोड़ा मिलेगा, हाँ रिटर्न मिलने वाला नहीं। ओ महाराज दर्जी बड़ा प्रसन्न, माली ने भगवान को माला पहनाई, चंदन लगाया, उसको भी भगवान ने भक्ति दिया और भगवान आगे बढ़े। एक टेढ़ी टेढ़ी महिला हाथ में कटोरा लिए जा रही आगे, कौन थी ये, कौन थी, कुब्जा। भगवान ने पीछे से उसको पुकारा, अरे ओ सुंदरी तू कौन है, कहाँ जा रही है? अब कुब्जा ने देखा कि मैं तो सुंदरी हूँ नहीं, आज तक किसी ने मेरे को सुंदरी कहा भी नहीं, ये मेरे को सुंदरी कहने वाले कौन है और भगवान कृष्ण ने कुब्जा को सुंदरी कहा क्यों? टीकाकारों ने लिखा है, गौड़ी संप्रदाय के टीकाकार जीव गोस्वामी जी महाराज ने, जानते हो कुब्जा कौन थी? ये पिछले जन्म की सूर्पणखा थी, रामा अवतार की। रामा अवतार में सूर्पणखा ने भगवान को पति के रूप में वरण किया था, लेकिन वहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम थे भगवान, दूसरा विवाह कर नहीं सकते थे, इसलिए सूर्पणखा को ऐसा बना दिया, जिसने मेरा एक बार वरण कर लिया वो दुनिया में नहीं जा सकती है, इसलिए नाक कान समाप्त कर दिए। तो आगे सूर्पणखा का उस जन्म में विवाह हुआ नहीं, पहले विवाह हो चुका था, वो विधवा थी जब भगवान के पास गई, उसके पति को रावण ने ही मार डाला था किसी बात के कारण, वो विधवा थी जब भगवान के पास गई, लेकिन भगवान ने फिर नाक कान काट दिए जिससे उस जन्म में विवाह हुआ नहीं। और अगली जन्म में वो कुब्जा बना दिया भगवान ने जन्मजात, जिससे इस जन्म में भी विवाह नहीं हुआ। क्यों? भगवान को जिसने पति के रूप में एक बार स्वीकार कर लिया वो दुनिया में जाएगा कैसे? आज भगवान ने देखा इसके उद्धार का समय आ गया है, सुंदरी नहीं है तो भी सुंदरी कह के बुलाते, अरे वो सुंदरी तू कौन है? कुब्जा ने देखा मुड़ करके, भगवान श्याम सुंदर है। महाराज द्रवित हो गई, प्रभु मैं कंस की दासी कुब्जा, उसके शरीर में यंगराग चंदन लगाने जा रही हूँ। भगवान कृष्ण मांगते हैं, हमारे शरीर में लगाओगी? बड़े बड़े महात्मा भक्त लोग समर्पित करते हैं, भगवान जल्दी स्वीकार नहीं करते। भगवान आज कुब्जा से मांग रहे हैं, हमारे शरीर में लगाओगी? कुब्जा ने कहा, प्रभु आपसे सुंदर इसका अधिकारी कौन होगा? कुब्जा ने कृष्ण बलराम दोनों के शरीर में अंगराग लगा दिया और उसके बाद भगवान ने कुब्जा के चरण में अपना श्रीचरण रखा, यहाँ पे हाथ लगाया, जोर से झटका दिया, कुब्जा बिल्कुल सीधी हो गई। महाराज जब सीधी हो गई तो अब सुंदर दिखने लग गई। हमारे गुरु जी कहते थे भगवान कृष्ण को सर्जरी के लिए कोई हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं, हाथ से ही कर देते थे। महाराज खट से झटका दिया, सीधी हो गई, अब महाराज बड़ी सुंदर हो गई। भगवान कृष्ण सर्वशक्तिमान है। अब कुब्जा ने कहा, प्रभु हमारे घर चलो, इतनी कृपा किया है। भगवान कृष्ण ने बलराम जी की तरफ देखा, बलराम जी ने आँखें दिखाई, बाबा ने क्या कहा था, कोई उपद्रव नहीं करना। अब महाराज बड़े भाई ये मानना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, बाद में आऊँगा, अभी दाऊ साथ में है ना, ये डांटेंगे मेरे को। कुब्जा को भी आश्वासन दिया, आगे बढ़े, लोगों से पूछा जो धनुष यज्ञ कल होने वाला है
वो धनुष का हम लोग दर्शन करना चाहते हैं, कहाँ है वो? लोगों ने बता दिया उस जगह रखा है, एक सीमा तक जा सकते थे, उसके आगे जाना मना था क्योंकि अगले दिन था यज्ञ। वहाँ तक तो पूछ के चले गए, जहाँ तक जाना अलाउड था, जहाँ से अलाउड बंद जाना मना था वहाँ सुरक्षा कर्मियों को दो दो धक्का मार के गिरा दिया, जबरदस्ती घुस गए। जा करके धनुष उठा लिया, खींच के तोड़ डाला। अब सुरक्षा कर्मी अटैक कर दिए, लड़ने लग गए। एक एक टुकड़ा धनुष का कृष्ण बलराम ने ले लिया और सुरक्षा कर्मियों को मारना प्रारंभ किया, कितनों को तो मार डाला। बाकी जो घायल होके भागे, भगवान के से घायल होके कंस के पास पहुंच गए, महाराज जो धनुष यज्ञ कल होना था वो तो आज ही हो गया। कंस ने कहा, मूर्खो तुम सुरक्षा में थे, धनुष कैसे टूट गया, तुम लोग क्या कर रहे थे? बोले, महाराज हम भाग के नहीं आते तो आपको सूचना देने वाला भी कोई नहीं मिलता। हाँ, वो जो कृष्ण बलराम दो नंद के बच्चे आए, सारे नगर में उपद्रव मचा रखा, कितने लोगों को मार डाला, कितने लोगों को घायल कर दिया। अब तो कंस लगा कांपने, नारद जी ने ठीक ही कहा था, यही भगवान ने लगता है यही मेरे को मारेंगे, पता नहीं मैं यहाँ क्यों बुलाया नारद जी के कहने से, हाँ यहाँ नहीं बुलाता तो बचा तो रहता। अब सोच रहा है नारद जी ने कहाँ फंसा दिया मेरे को, हाँ नारद जी ऐसा काम करते। कंस ने तो महाराज रात्रि में नींद नहीं, सारे लोगों को सावधान कर दिया। भगवान कृष्ण नगर देख के बाबा के पास आ गए शाम को। नंद बाबा ने पूछा, कन्हैया नगर देख लिया? बोले, हाँ देख लिया। कैसा है? बोले, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सजा है। किसी से कोई झगड़ा तो नहीं किया? बोले, ना बाबा, इतना ढिठाई के साथ झूठ बोलते थे कि कोई पकड़ नहीं सकता था। क्यों? जो कभी झूठ नहीं बोलता अगर वो बोलेगा तो पकड़ जाएगा, वो नर्वस हो जाएगा, कांपने लग जाएगा, आवाज़ लड़खड़ा जाएगी। लेकिन जो हमेशा बोलता है वो ऐसा बोलेगा कि आपको लगेगा सच ही बोल रहा है। ऐसा बोले, ना बाबा कोई झगड़ा नहीं किया। बाबा को लगा ऐसा संभव तो नहीं है कि नगर में घूम के आऊँ और कोई उपद्रव ना हो। ग्वाल वालों की तरफ देखते लग गए, ग्वाल वालों को कह दिया, बाबा आपको भरोसा नहीं तो इनसे पूछ लो। अब ग्वाल बाल उनके खिलाफ कहाँ बोलने वाले। ग्वाल बाल बोले, हाँ बाबा बिल्कुल कोई झगड़ा नहीं हुआ, हाँ हम लोग बड़ी शांति से नगर देख के आए, अब ठीक है। बाबा भी महाराज खीर खा के सारे लोग सो गए। अगले दिन धनुष यज्ञ था, अब धुंध भी बजने लग गई अखाड़े में। बाबा ने कहा, चलो लाला। बोले, बाबा आप चलो, अभी हम तैयार नहीं हुए, हम आते। जानते थे बाबा के साथ जाएंगे तो उपद्रव करने को नहीं मिलेगा, अकेले जाएंगे तो कुछ ना कुछ उपद्रव करते जाएंगे। बाबा गए, एक सिंहासन पर बैठा दिया गया। श्री कृष्ण बलराम गए तो पहले दरवाजे पर कंस ने कुबलिया पेड़ हाथी रखा था मारने के लिए दोनों को। बड़ा शक्तिशाली हाथी था, शराब पिला के रखा गया था। जैसे ही गए, महावत को बोला, हाथी को हटा लो नहीं तुम दोनों को जमलोक पहुंचा दूंगा। जानते थे हमारे मारने के लिए रखा है। महावत ने हाथी को अंकुश मारा, बोले मार डालो दोनों बच्चों को। हाथी दौड़ा, भगवान कृष्ण ने उसके मस्तक पर एक मूका मारा जोर से, वो तिलमिला गया। भगवान की ताकत और कहाँ छिप गए मालूम है? मूका मार के हाथी के पेट के नीचे छिप गए, चारों पैरों के बीच में, पेट के नीचे खड़े। 11 साल के तो थे, छोटे से, हाथी विशाल था। अब हाथी घूम घूम के चारों तरफ देख रहा है कि मार के गया कहाँ, इधर देखे उधर देखे, वो तो कहीं गए हो तो देखे, वो तो उसके नीचे ही खड़े थे पेट के नीचे, वहाँ तो उसको दिखे नहीं कि यहाँ खड़े, इतने नटखट थे, इतने नटखट थे। फिर पीछे से निकले, दो पैरों के बीच से पूंछ पकड़ी, हाथी को खींचते हुए ले गए, गिरा दिया, दोनों दांत निकाल लिए और दांतों से मार मार के महावत और हाथी का गोविंदाय नमो नमा कर दिया, भगवान के धाम को भेज दिया।